उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के घटोत्कच महोत्सव में हुए शामिल। साथ ही उन्होंने अनेक योजनाओं की दी सौगात, जिसमें घटोत्कच मंदिर की चार दीवारी एवं दो कक्षों का निर्माण एवं मंदिर का कुमाऊं शैली में सौंदर्यीकरण किया जाएगा। घटोत्कच मंदिर स्थल को सौंझ हिडिम्बा मंदिर होते हुए गौड़ी सड़क तक लगभग 2.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। साथ ही घटोत्कच मंदिर से झालीमाली मंदिर तक 1700 मीटर सड़क का डामरीकरण किया जाएगा। हिडिम्बा मंदिर के निकट खेल मैदान का निर्माण भी किया जाना है। घटोत्कच मंदिर गेट से कैप्टन बिंदु सिंह के घर तक अवशेष सीसी मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त तहसीलों के राजस्व कार्यों के संपादन हेतु 2.50 लाख का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग चंपावत के अंतर्गत बनलेक से ललवापानी मोटर मार्ग को राजमार्ग किए जाने की गई घोषणा। क्रांतेश्वर आदि ट्रैक रूट्स पर साइनेजेस लगाए जाएंगे। चंपावत बाजार से गौरलचौड़ मैदान की ओर जाने वाले मोटर मार्ग का भी चौड़ीकरण किया जाएगा। जिला मुख्यालय में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत आपदा प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण भी किया जाना है। इसके साथ ही जिला मुख्यालय में बहुउद्देशीय आपदा राहत केंद्र का निर्माण भी किया जाएगा। कलेक्ट्रेट चंपावत का कुमाऊनी शैली में पुनर्निर्माण किया जाना है। कलेक्ट्रेट चंपावत का कुमाऊनी शैली में पुनर्निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा घटोत्कच स्मारिका भाग 2 का भी विमोचन किया गया। घटोत्कच मंदिर आयोजन समिति ने यहां पर बहुत ही शानदार कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई सारे कार्यक्रम रखे हुए हैं। उन कार्यक्रमों की आज यहाँ पर विधिवत रूप से शुरुआत हुई है और ऐसे आयोजनों से जहाँ हमारी संस्कृति को बढ़ावा देता है, वहीं हमारे जो बच्चे हैं, जो यहाँ के कलाकार हैं, स्थानीय जो हमारे साहित्यकार हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हैं, उन सभी को आगे आने का अवसर मिलता है। और हमारी सरकार भी इन सब के प्रति, जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमारी आस्थाएं हैं, हमारे धार्मिक क्रियाकलाप हैं, धार्मिक हमारे स्थान हैं, उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सौंदर्यीकरण के लिए, उनके विस्तारीकरण के लिए और हमारे धर्म और उत्थान की जो संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आज जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, उत्तराखंड में भी तेज़ी से हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ मानसखंड कॉरिडोर हो, उसको हम लोग पूरी तरह से विस्तारित करने के लिए लगातार कई चरणों में काम कर रहे हैं। पहले चरण में हमने कुछ मंदिरों को लिया है, कुछ धार्मिक स्थानों को लिया है। पहले चरण का काम पूरा होते ही हम दूसरे चरण का काम प्रारंभ करेंगे। तो निश्चित रूप से ऐसे आयोजनों से हमारी संस्कृति और हमारे धार्मिक स्थान और ज़्यादा बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उनका विस्तार होगा, उनको सौंदर्यीकरण मिलेगा, उनका एक अच्छा स्थान बनेगा। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।